धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं आज निकला हूँ राउंड के लिए। राउंड मतलब मैं मेरे होम टाउन में हूँ एंड मैं मेरे खेत में जा रहा हूँ, मेरे फार्म हाउस पे। आज हम लोगों ने वहाँ पे इतने दिनों से सब लॉकडाउन में बंद है तो सोचा आज खाना पीना पार्टी हो, मस्ती हो, थोड़ा सा फन हो। मैं आपको दिखाऊंगा क्या करने वाले हम लोग क्या नहीं एंड या लेट्स सी। इतनी धूप नहीं है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है एंड ऐसा लग रहा है लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाओ, क्योंकि आई ऑलवेज लाइक दैट, सो आई एम डूइंग दैट। हवा इतनी अच्छी चल रही है तो यू कैन सी दिस। Hold on to my embrace, this time I promise it won't break. I'm hoping the things haven't changed. So ये हमारे फार्म में है 31 फीट की हनुमान जी की मूर्ति, देख के बहुत अच्छा लगता है। इतना बड़ा हनुमान जी हमारे मेरे बोलते ना खेत में है, बहुत पीसफुल लगता है ऐसी सब चीज़ें देख के। कभी कभी जो वो पूना बॉम्बे की लाइफ से ये चीज़ें बहुत रिलैक्सिंग फील होती है। इसमें हमारा खाना बनाना चल रहा है। शी इज द लेडी जो हमारा फार्म का ध्यान रखती है। दिखाता हूँ, आप देख सकते हो, यू नो ये बार अभी तक कुछ फसल नहीं डाला है इसमें। अभी हर टाइम हम लोग ज़्यादा करके इसमें सोयाबीन डालते हैं। सोयाबीन इज़ अ गुड, हमेशा बहुत अच्छा रिजल्ट आता है सोयाबीन जब भी हम लोग उगाते हैं। अभी ये बार अभी तक किया नहीं है, फसल डाली नहीं है, तो अभी डालने वाले हैं। आप देख सकते हो कम हमारे खेत में ये कुआ है जो मुझे सब यादें ताज़ा कर रहा है। एक टाइम था हम लोग यहाँ पे आके इतना खेलते थे पानी में, बोलो कुएं में स्विमिंग करते थे, सब कुछ करते थे। यहाँ पे एक कछुआ है, आई डोंट नो अभी भी है क्या, मैं खुद देख रहा हूँ, वो मुझे दिखा नहीं है। बहुत छोटा था तब हम लोगों ने इसको लाया था, अभी बहुत बड़ा हो गया है। मैंने मेरे पापा और सबसे पूछा तो दे सेड कि या अभी भी है बट वो कभी कभी नीचे चले जाता है। आई डोंट नो, आई विल शो यू वो है क्या, जस्ट कम। आई डोंट थिंक सो वो दिख रहा है, मैं कब से रुका हूँ यहाँ पे, 5-10 मिनट हो गए, पत्थर भी डाले, मे बी मैंने सोचा पत्थर से वो ऊपर आ जाए, तो ठीक है। आई विल शो यू मोर वॉट वी आर गोइंग टू ईट एंड अच्छा लग रहा है यहाँ पे फन। आपने अभी देखा होगा सलमान खान भी अपने उसके फार्म हाउस पे है, मैं उसके फार्म हाउस को देख के मुझे मेरे खुद के फार्म हाउस की बहुत याद आ रही थी, तो सोचा मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ, कब जाऊँ क्या नहीं, एक्साइटमेंट था, तो आज मैं भी वही आया हूँ। हाँ ये एक बात है, मैं यहाँ पे रह नहीं सकता बिकॉज रहने के हिसाब से हम लोगों ने नहीं बनाया, जो हमारे फार्मर्स लोग हैं जो हमारा ये पूरा संभालते हैं वो लोग देखते हैं, सब कुछ उनके हाथ में है, हम लोग सिर्फ यहाँ पे खाना खाने और मस्ती करने आए हैं। सो लेट्स सी। सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देख सकते हो व्हाट ए व्यू मैन। ये ट्री के बारे में पता होगा आपको, विद्या का ट्री बोला जाता है इसको। ये बुक के अंदर रखते, हम लोग बहुत रखते थे, हम लोग ढूंढ ढूंढ के लाते थे और हम लोगों ने इसको हमारे फार्म में लगाया है। यू कैन सी दिस, इसके पत्ते ग्रीन होता है और बहुत अच्छा होता है। ये पूरा हमारा ट्रीज़ है जहाँ पे फूल्स आते, गार्डनिंग किया है हम लोगों ने, इसको बहुत अच्छे से बनाया है बट अभी बारिश के कारण सब फूल चले गए हैं, लाइक ख़राब हो चुके हैं ट्रीज़, थोड़े से स्पॉइल हो चुके हैं। यू कैन सी दिस। दिस इज़ सो अमेजिंग, इनके साथ बैठना खाना, वो भाग रहा है मेरे से। ये एक नया बोलते ना बेबी बॉर्न हुआ है, वैसे बेबी बॉर्न हुआ है छोटू सा, उससे नीचे छोटा ये छोटू सा जो भाग रहा है मेरे से, डर रहा है। आप देख सकते हो ये उसकी माँ है, पता नहीं मुझे पहचानती नहीं तो मारेगी मुझे, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग बट या दिस इज़ जस्ट रियली फन।
बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सच में बोलूँगा, आई डोंट नो एक्सप्रेस कैसे करूँ, ज़्यादा भी बोल नहीं सकता, क्या एक्साइटमेंट लेवल दिखाऊँ आपको, इतना अच्छा लग रहा है ना मुझे यहाँ पे बैठ के। धूप इतना से भी नहीं है, समर तो मुझे लग रहा है चले गया है, बारिश आने वाला है, और यहाँ पे बैठ के एक सुकून सा नींद ले लो गाइज, सबसे बेस्ट चीज़ है। जौरी का रोटला खाने में एक अलग ही टेस्ट है। ये हम लोग खाने वाले आज, और आज का मेनू आप देख सकते हो, ये फुल ऑन एक स्पाइसी दाल है महाराष्ट्रियन स्टाइल में, एंड कैरी टमाटो, दिस इज ऑल, सी दिस इज ठेचा, वेरी स्पाइसी, फटने वाली आज गाइस, लेट्स सी, देखिए। खाना खाने के बाद एक छाछ का मज़ा अलग ही है, और गुजराती लोग हैं तो छाछ तो होना ही चाहिए। यू कैन सी दिस छाछ, वेरी टेस्टी, पी के मज़ा आ जाए, सी मैं कितना मज़ा लेके पीने वाला हूँ, अमेजिंग, सब घर वाले पी रहे हैं, एंजॉइंग एवरीवन। ये हमारे देसी बेवड़े, तो ये लूना है मेरे दादाजी के टाइम की, मुझे वो याद आ गई जब मेरे दादाजी लूना चलाते थे, एंड ये गाड़ी सब लोग यूज़ करते हैं अभी, जो फार्म हाउस के लोग आदमी लोग हैं, अभी भी चल रहा है, एंड हमें ये बेचना नहीं है बिकॉज इसका अभी भी रिजल्ट बोलूँगा ना बहुत अच्छा है, चलाने में सुपर है, अभी भी दो तीन लोग बैठ जाए तो भी चल जाएगी गाड़ी, ऐसी है। सो आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट दैट, कि बोलते ना कभी कभी ओल्ड बाइक कार है ना, बहुत ओल्ड, वो बहुत बहुत अच्छी होती है। म्यूजिक चल रहा होगा, आप सुन रहे होंगे, आई एम गोइंग टू एंड दिस ब्लॉग, एंड तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, हिट द लाइक बटन, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, एंड एंजॉय दिस नेचर जिसके साथ भी करना चाहते हो, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, पीएस लव।